दादी ये क्या है? डू यू नो दिस फ्रूट वेजिटेबल? इधर बोलते करेला। क्या करेला? आप करेले की सब्जी खाओगी? नो। क्यों? मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी, खा लेना। अच्छा इसकी स्मेल कैसी है? स्मेल करके देखो। हाय गाइस, आई एम रितु और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेला डिस्कस करेंगे। करेला बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है और जितना वो हमारे लिए फ़ायदा करती है उतना ही वो बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदा करती है। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है करेले के सामने कि हम करेला बच्चों को खिलाए कैसे, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। रीवी, डू यू लाइक करेला? डू यू लाइक करेला? नाइन, शी इज़ ऑल्सो सेइंग नाइन। पर सबसे बेस्ट पॉइंट नंबर वन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वी आर मदर्स और हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी जब मैं जाती हूँ अपने घर अपनी मम्मी के यहाँ, वो मुझे कहती है मैंने बीटरूट सूप बनाया, एक बार पी के देखो, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके वो फ़ायदे हैं, ये बहुत डिलीशियस है, ऐसा वैसा। और वो मुझे इतना एक्सप्लेन करती हैं कि एंड में मैं कहती हूँ अच्छा दे दो, मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। ये सबसे बड़ा रामबाण है बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। और हम आज मेरा अभी ब्लॉग एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी मिलेंगी, टिप्स जो होंगी आपको मिलेंगी, जिससे आप करेले की कड़वाहट हटा सकती हैं और बहुत ही वो बढ़िया बन जाएगा खाने के लिए। और अगर बच्चा नहीं खाता है तो उसको उसके बेनिफिट बताइए, बताते रहिए, कई तरह से बनाइए, तो धीरे धीरे करके कुछ सालों में अगर वो शायद उसको खाने लगेगा। ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं वीडियो। ओके रीवी, से ओके, वी विल सी, थैंक यू। आज हम ना करेला बनाने जा रहे हैं। करेला एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों को क्या बड़े भी नहीं खाते, पर मैं करेला थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ और इन कंपैरिजन वो बहुत आसानी से बन जाता है और कड़वा भी नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, करेलों को ना काटती हूँ, ना पीटती हूँ, ना छीलती हूँ, करेलों को उठाती हूँ, सीधे धोती हूँ, कुकर में डालती हूँ और हल्का सा उबाल लेती हूँ। हल्का सा, इतना भी नहीं उबलना चाहिए कि वो फूट जाए, टूट जाए। तो उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं इसको बीज से काटूँगी, थोड़ा सा इसका पेट फाड़ूँगी, इसमें से बीज निकालूँगी और मसाला मैंने बना के रखा है वो मसाला इसके अंदर डालूँगी और इसको कम तेल में धीरे धीरे फ्राई करूँगी। मसाले में क्या करेंगे, मसाले में मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया, बीज निकाल दिए, सीड्स सारे। करेलों में नमक लगा के भी आप रख सकते हैं और थोड़ी देर के लिए, फिर इसको उबालने के लिए डालते हैं थोड़ा। और ये प्याज, टमाटर, अदरक का पेस्ट डालती हूँ, ये मसाला हम भून लेंगे। जैसे मसाला भूनते हैं उसमें एक चीज़ उसमें खास, इसमें एक चीज़ और मैं खास डाल दी, तो मैं आपको दिखा दूँ। लास्ट में मैं इसमें ये डालूँ, आप शक्कर भी डाल सकते हैं अगर शक्कर गुड़ नहीं है घर में तो, पर मैं गुड़ रखती हूँ घर में बच्चों के लिए और मैं कोशिश करती हूँ कि शक्कर को मैं गुड़ से ही रिप्लेस करूँ, क्योंकि गुड़ बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और सर्दी भी नहीं लगती गुड़ खाने से। इसलिए कहते हैं पुराने मम्मी और मेरी नानी दादी कहती थी कि सर्दियों में गुड़ और हल्दी ज़्यादा खानी चाहिए। ये मसाला भुन जाएगा, उसके बाद हम इस मसाले की स्टफिंग इन करेलों में कर देंगे। देखिए करेले पूरे अच्छे अंदर से अच्छे से खाली हो गए और इसको फिर धीमी आँच पर हम फ्राई कर देंगे और फिर देखते हैं करेले आज ये स्टफ करेले देखने के बाद मेरे बच्चों को क्या रिएक्शन होता है। हेलो राध्या, कुछ नहीं हुआ, देखो ये मम्मा ने क्या बनाया है और वो जो आपको मैंने रॉ करेला दिखाया था वो वेजिटेबल बन गया है। अभी ये देखो ये कुक हो गया है। डू यू वांट? Thank you.
आज आपने मेरा ये ब्लॉग देखा, इसमें मैंने कुछ टिप्स शेयर किए हैं, जैसे कि आप करेले को नमक लगा के 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दूसरा, छोड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, उसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए हल्का सा, उससे भी उसकी कड़वाहट कम हो जाती। करेले में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशंस है कि अगर आप उसको थोड़ा सा बॉईल कर भी लेंगे तो उसको पूरे न्यूट्रिशंस नहीं जाते, तो भी बच्चे को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कड़वा खाए कुछ ना खाए, उससे अच्छा है कि उबला का उबाल दें और उसमें कुछ तो मिलेगा, उसके पेट में जाएगा। तो दूसरा एक पॉइंट और है कि हम उसमें खटाई डालें। खटाई डालने से क्या होती है कि करेले की कड़वाहट कम होती है, वो थोड़ा स्पाइसी की तरफ होता है। अगर आपके पास अचार मसाला है तो आप अचार मसाला डालिए, अगर आपके पास अचार मसाला नहीं है यू कैन यूज़ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इज़ ड्राई मैंगो पाउडर, अगर वो डालिए। उसके साथ आप यूज़ करिए थोड़ी सी जैगरी। जैगरी इज़ वेरी गुड, इंस्टेड ऑफ शुगर यू कैन यूज़ जैगरी। अगर लॉकडाउन में आपके पास शुगर नहीं है देन यू गो फॉर अगर आपके पास लॉकडाउन में जैगरी नहीं है देन यू गो फॉर शुगर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय 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 बाय।